जोधपुर स्थित रावण का चबूतरा गवाह बनेगा सिल्वर रोमांच का। दरअसल 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें समुद्र का वृहद संसार लोग करीब से देख पाएंगे और साथ ही यहां भोलेनाथ के भी दर्शन होंगे। कोविड के 2 साल बाद जोधपुर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का साक्षी बनने जा रहा है। रावण का चबूतरा मैदान में 6 से 15 जनवरी तक होने वाले मेले को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में है। लोगों को आकर्षित करने के लिए क्रिएटिविटी का खासा ध्यान दिया जा रहा है। वीरानगढ़ और घंटाघर के हूबहू मॉडल रोमांचक सी वर्ल्ड और गांधी जी की 35 फीट की प्रतिमा लोगों को चकित कर देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में पिछले 32 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प मेला, जो कि इस बार एक बार फिर अपना भव्य रूप लेने को तैयार है, और उस सोच के पीछे और उस मेले को भव्य रूप देने के पीछे जिनका सबसे मुख्य हाथ है, आज वो हमारे साथ मौजूद है। राशिको के निदेशक श्रीमान सुनील जी परिहार और मेला संयोजक सुनील जी परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार इस 32वें आयोजन में क्या विशेष रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव हर वर्ष एक नए आयाम से 32 वर्षों में इसने जो मुकाम हासिल किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो आयोजन है, जिसमें पूरे देश भर के लगभग 22 राज्यों के अलग अलग शिल्पी और आर्टिजन डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से यहाँ पर आके अपने उत्पादों को मार्केट करते हैं। कोविड की महामारी थी जिसके कारण से कई हमारे आर्टिजन क्राफ्टमैन को मार्केट नहीं मिल पाया था। हमने प्रयास किया है कि जो आर्टिजन क्राफ्टमैन को एक ऐसा मार्केट मिले, मैं जोधपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो खरीद में पारखी भी है और अच्छा उत्पाद होता है तो वो अच्छी खरीदारी भी करती है। तो इस कारण से मेरे देश भर में ख्याति भी प्राप्त है कि वहां के आर्टिजन क्राफ्टमैन इस मेले का इंतजार कर रहे हैं। 2 सालों से नहीं हो पाया था, वो चिंतित भी थे, तो हमने उन चीज़ों को उन भावनाओं को साथ में लिया कि इस मेले में कुछ विशेष आकर्षण करें जिससे जनता उस आकर्षण के कारण मार्केट करने आए। और आप देख रहे होंगे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन क्राफ्टमैन है जो एक्सपोर्ट करते हैं वेस्ट से, आज गांधी जी की मूर्ति खड़ी कर दी है, आप गांधी को देख रहे हैं, उन्होंने जो व्यवस्था की है आर्टिजन क्राफ्टमैन ने, जोधपुर का जो हाट बाजार था जहाँ पर पुराने सदियों पहले जिस प्रकार से हमारा गिरदी कोट मार्केट था, घंटाघर था, घंटाघर और मार्केट है उसको किया, जोधपुर का फोर्ट है नहीं देख पा रहे हो यहाँ पर है, उसके अलावा शिव जी की 40 फीट हाइट की हमने आदि महादेव की जो स्टैचू खड़ी की है वेस्ट के माध्यम से, शिवलिंगा बना है, इन चीज़ों को हमने विशेष आकर्षण के तौर पे इसलिए लिया है कि इनको देखने से न केवल जोधपुर के बल्कि आसपास के क्षेत्रों के राज्य के काफ़ी लोग आ सके और उनको एक अच्छा मार्केट मिल सके, इस प्रकार का प्रयास किया गया, इसलिए इसमें नवाचार किया गया है। इन प्रतिक्रियों को तैयार करने के लिए 5 राज्यों के 200 से ज्यादा कारीगर कई दिनों से जुटे हुए थे। पूरी तरह तैयार होने के बाद इन्हें इमारतों के रूप में स्थापित किया जा चुका है। ये सभी कारीगर राजस्थान के अलावा यूपी, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश से आए हैं। आयोजकों का कहना है कि इन इमारतों की प्रतिकृति के अलावा कई ऐसे प्रयोग भी किए जा रहे हैं जो लोगों को आकर्षित करेंगे। सर, एक चीज जैसे हमने यहाँ पर देखी है कि जिस तरह से यहाँ पर चाहे वो मेहरानगढ़ फोर्ट हो, चाहे फिर जोधपुर का घंटाघर बाजार हो, या फिर शिव जी की प्रतिमा हो, या गांधी जी की यह प्रतिमा हो, जिस तरह से समावेश दिया गया है, तो इसको करने के पीछे कितने दिनों की मेहनत रही है और क्या सोच रही है सर? ये लगातार 15-20 दिनों से हमारे करीब 200 से ज़्यादा कारीगर काम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ के भी है कुछ, बिहार बंगाल के जो आर्ट करने वाले लोग भी है, जयपुर से भी जो डोम स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रेक्चर लिए हुए हैं, बाहर से भी आए हुए राज्यों के लोग यहाँ पर निर्माण में दिन रात जुटे हुए हैं। और मैं आभारी हूँ मेरे आर्टिजन, मेरे हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट व्यवसायी अजय शर्मा जी का, जिन्होंने सोच बनाई कि हम बाहर विदेशों में वेस्ट से जो यूजेस करके बना रहे हैं, उनको कई महीनों से उन्होंने तैयारी की है, वो 2-3 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब सी वर्ल्ड और दूसरी चीज़ देखोगे एक दिन में नहीं बन सकता है, पर उन्होंने प्रयास करके लंबे समय से सोच थी कि ये अच्छा बन सकता है और उसको हमने सजीव करने की भी कोशिश की है।
हर आइटम दिया है तो उसको सजीव, आज आप घंटाघर देख रहे हो तो उसमें घड़ी लग गई है, तो वो ऐसा नहीं है कि ये चलने वाली है, रियल घड़ी है, मतलब हर चीज को हम सजीव किया। ये जो पानी का टैंक देख रहे हैं आप, ये पानी के टैंक को आप रात को देखिएगा, इसको इस तरीके से लाइटिंग के माध्यम से लोगों को एक ऐसा महसूस होगा कि हम एक आकाश मंडल में घूम रहे हैं, और उसमें अलग अलग स्टैचूज आपको उस तरीके से दिखेगा। ये हमने प्रयास किया है, प्रयास का माध्यम ये है कि आर्टिजन क्राफ्टमैन के इस आकर्षण के माध्यम से लोग आए, खरीदारी करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजनीतिक सफर शुरू किए जाने के बाद जोधपुर के लिए दी गई अलग अलग सौगात और उनके सांसद से लेकर मुख्यमंत्री रहने के दौरान करवाए गए प्रत्येक कार्य की प्रदर्शनी भी मुख्य पंडाल में लगाई जाएगी। वहीं मुख्य पंडाल में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का प्रदर्शन भी मूर्तियों के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हमेशा चाहे रोजगार को बढ़ावा देने की जो योजना है, वो सोच है, वो भी हमेशा रही है, और साथ ही साथ जोधपुर में जो हमेशा उनको एक उत्साह देखा गया, तो मेले के अंदर भी वो शिरकत करेंगे, यहाँ पर आएंगे, उसको लेकर भी किस तरह का हर शिल्पियों में भी यहाँ पर उत्साह है। अशोक गहलोत साहब तो एक ऐसे विजनरी आदमी है, मैं ये सोचता हूँ कि अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री भी अशोक गहलोत का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस प्रकार से उन्होंने जोधपुर के डेवलपमेंट की सोच सोची, किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि ब्रॉडगेज मीटर गेज से ब्रॉडगेज करो, कोई नहीं थॉट किया था राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जोधपुर में पानी लाओ, उन्होंने जो इमेजिनेशन नहीं किया था, उन्होंने इमेजिन किया कि इंस्टीट्यूशंस हो गए तब इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसको आगे बढ़ेंगे, तो IIT से लेके FDTI से लेके निफ्ट तक के इंस्टीट्यूशन, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, DRDO, DMIC, काजरी, आफरी, जोधपुर को जो सौगात दी है अशोक गहलोत साहब की सोच बनी थी कि ये स्टार्टअप होगा, तब उन्होंने रिफाइनरी बनाई, और रिफाइनरी के साथ में आज जो कंट्री का सबसे बड़ा है, हम एजुकेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि फिनटेक यूनिवर्सिटी की जो बात उन्होंने सोच के बना रहे हैं, ये सारा विजन उनके पीछे ये है कि जोधपुर का, राजस्थान का विकास कैसे हो, छोटे से छोटा आदमी वो व्यापार, रोजगार और उस तरफ कैसे प्रेरित हो सकता है, क्योंकि मारवाड़ के लोग जो बाहर पूरे देश विदेश में जाकर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हमारी माटी पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हो जाए ताकि उनके जो 100 साल 150 साल पहले जो परिजन गए थे, उनके जो पूर्वज गए थे, उन माटी पर ऐसा आधारभूत ढांचा बन सके जिससे एक आधा अच्छा औद्योगिक निवेश हेतु वातावरण बन सके, और वो बना भी है। ये अशोक गहलोत जी की सोच थी, और ये सारा विजन जो आप देख रहे हैं उनके पीछे उनकी परिकल्पनाओं को ही सोचते हुए ये हमारे दिमाग में आया, और हमारी कमेटी के लोगों ने बैठ के ये निर्णय लिया। शहर के रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित होने वाले इस मेले में बन रहे सीवील्ड में 125 फीट लंबी वेल बनाई गई है। इसके अलावा समुद्र का नजारा दिखाने के लिए अंदर डूबा हुआ जहाज और प्लेन भी दिखेगा। इसके अलावा 2000 से ज्यादा समुद्री जीव भी प्रदर्शित होंगे। दर्शक देखने आएंगे तो अंदर से आवाज भी उसी तरह की निकलेगी, जिससे कि समुद्र के अंदर रहने का रोमांच महसूस हो सके। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर है हमारा ये जो केंद्रीय पंडाल है, और जो सी वर्ल्ड है, जो सी वर्ल्ड हमने बनाया, हमारे रेगिस्तान में लोग रहने वाले हैं उनको एहसास हो कि समुद्र कैसा, वो वहाँ पे नहीं जा सकता है, चाहे अंडमान निकोबार भी नहीं जा सकता है, कोई आदमी बाहर और भी मालदीव्स नहीं जा सकता, पर उसका एहसास यहाँ पर होगा कि यहाँ पर जा रहे हैं, उनके बच्चों को उन छोटे बच्चों को फिशेस की क्या जानकारी है, सी वर्ल्ड में सीज के कौन कौन से स्पीशीज हैं, उनको सबकी जानकारी देते हुए एक ऐसा आकर्षण पैदा किया गया है मेले के माध्यम से, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिजन क्राफ्टमैन जो आए हैं उनको मार्केट मिल सके। इस मेले के दौरान जहां लगभग 650 स्टॉल लगेंगे, जिसमें आर्ट, टेक्नोलॉजी, खानपान, हैंडीक्राफ्ट सहित कई तरह के स्टॉल होंगे। विभिन्न राज्यों के उत्पाद यहां मिलेंगे। बच्चों के लिए एक्टिविटी, युवाओं के लिए सेमिनार होंगे। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेले का उद्घाटन करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ मेला संयोजक सुनील परिहार, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो एक सोच थी उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है और मेले का आयोजन किया जा रहा है। फिर चाहे बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो, उनकी जो प्रदेश को लगातार सौगातें जो देते रहते हैं, उसी में जो राजस्थान पश्चिमी हस्तशिल्प मेला है वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, क्योंकि कोरोना के 2 वर्षों के चलते यह मेला आयोजित नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब यह आयोजित हो रहा है तो बहुत ही भव्य रूप के साथ हो रहा है। सहयोगी देव के साथ आशीष पुरोहित, खबर फास्ट जोधपुर।